हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि भूमि की निशानदेही, संपर्क मार्गों को ठीक करना, पेयजल उपलब्ध करवाना तथा आम जन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने जैसे मामलों को शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे जनहित के विषय जनमंच तक पहुँचने से पहले हल हो जाने चाहिए। डॉक्टर बिंदल ने सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बरोटीवाला में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता की। यह सोलन जिला का 13वां और दून विधानसभा क्षेत्र का 3रा जनमंच था। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समुचित जल उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए आरंभ किए गए जल शक्ति अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि जल संचयन के लिए आरंभ किए गए जल शक्ति अभियान के माध्यम से हम तभी भूजल को रिचार्ज कर पाएंगे और पारंपरिक जल स्रोतों में जल सुनिश्चित कर पाएंगे जब सभी एकजुट होकर इस अभियान के लिए कार्य करेंगे। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षित होगा अपितु भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र में वर्ष 2011 से वर्ष 2019 के मध्यम भूजल स्तर में 7 मीटर की गिरावट आई है। इस स्थिति को समय रहते संभालना आवश्यक है। डॉक्टर बिंदल ने सभी से आग्रह किया कि स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमाचल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा के दोहन में बाधक बने नशे के दानव को हराने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐतिहासिक निर्णय से कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक हुआ है। उन्होंने कहा कि 70 साल की प्रतीक्षा के उपरांत यह ऐतिहासिक क्षण आया है और इसके लिए सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जनमंच वर्तमान प्रदेश सरकार का ऐसा फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो जनता के मध्य जनता की शिकायतों का उचित निराकरण करवाने में सफल सिद्ध हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि जनमंच में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करें। उन्होंने कहा कि शिकायतें सुलझाने में अधिकारियों का संवेदनशील सहयोग आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटीवाला में आयोजित इस जनमंच में उपायुक्त सोलन केसी चमन ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जनमंच में प्राप्त शिकायतों एवं मांगों का उचित स्तर पर समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मौके पर दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, दून की पूर्व विधायक विनोद चंदेल, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सैनी, गौ संवर्धन आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, बलविंदर ठाकुर तथा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कई अन्य मौजूद रहे। पीआर टीवी के लिए बीबीएन से शांति गौतम की रिपोर्ट।